तो अंधा होता है ना। इतना अंधा भी नहीं होता बेटा कि लड़का लड़की में फर्क ही ना दिखाए। हेलो गाइस, मैं हूं आपका अपना द लेजेंड नुमान खान और आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी कंट्रीब्यूशंस और कंट्रीब्यूशंस। गाइस, मैंने विराट कोहली को यार हाँ कर दी। बिकॉज मेरा जो हार्ट है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मैं कभी भी किसी को क्रश करते हुए देख नहीं सकता। सो गाइस, मैंने उनको हाँ कर दी। और जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने वाला है, क्योंकि मैं एज अ चीफ गेस्ट हूँ नुमान खान द लेजेंड हूँ, तो मुझे ये सब पहले से ही पता था। और विराट कोहली ने बकायदा मुझसे परमिशन ली कि नुमान खान द लेजेंड मैं ये मैच करने जा रहा हूँ, तो क्या मैं करूँ? मैंने कहा जरूर करो, और अगर आप ये मैच विन करते हो तो नुमान खान द लेजेंड द रोल मॉडल आपका हो जाएगा, ठीक है? सो उन्होंने कहा कि मैं ट्राई करूंगा कि मैं नुमान खान द लेजेंड को पा सकूं। सो लेट्स सी गाइस कि वो जीत पाते हैं या नहीं। और इसके अलावा गाइस, आप लोग पता है कि लॉलीवुड और बॉलीवुड में जो है वो मुझे लेके इतना ज़्यादा है, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एक दूसरे को मारे, एक दूसरे का सर फाड़ दिया उन सब ने कि हम नुमान खान द लेजेंड को अपनी फिल्म में लेंगे, कोई कहता हम अपनी फिल्म में लेंगे। सो गाइस, इट्स टू मच रब ना, इट्स टू मच रब। अब मुझे बिल्कुल, इट्स वेरी हार्ड, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। सो गाइस, मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे पाकिस्तान जीते या चाहे इंडिया जीते, नुमान खान द लेजेंड जो है द विनर कप्तान का रोल मॉडल और बेस्ट ही बन सकेगा। सो लेट्स सी कि नुमान खान द लेजेंड को पाने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है और कौन कर सकता है, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड ना, क्योंकि लेजेंड को पाना जो है वो नामुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन ही है। सो गाइज, देखते हैं, लेट्स सी। और मुझे विराट कोहली ने कह दिया कि अगर नुमान खान द लेजेंड आप इंग्लैंड आते हो और आप उधर और परफॉर्मेंस ना हो, इट्स यम पॉसिबल ना, इट्स यम पॉसिबल। सो लेट्स सी गाइज, वो कह रहे हैं कि अगर मैं उधर आऊँगा तो उनको ढेर सारी एनर्जी मिल सकती है मेरी वजह से, बट मैं उधर नहीं जा सकता बिकॉज मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है। सो मैं विश यू ऑल द बेस्ट बोथ टीम्स, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, हु विन द लेजेंड नुमान खान। ओके बाय, टाटा। हेलो गाइस, मैं हूँ आपका अपना नुमान खान द लेजेंड। गाइस, मैं इतना ज्यादा सैड हो गया हूँ ना, मैं इतना ज्यादा सैड हो गया हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि मेरी आईज इतनी ज्यादा क्लाउड हो गई है, इतनी ज्यादा मुझे डार्क क्लाउड्स पड़ गए हैं और इतनी ज्यादा मेरी आईज रेड हो गई है, मैं आपको नहीं बता सकता। गाइस, क्यों कर रहे हो आप मुझे कॉल्स बार बार? विराट कोहली, क्यों कॉल्स करते हो मुझे, क्यों कहते हो? क्या मेरे बगैर नहीं रह सकते? दिन रात बस आपको नुमान खान द लेजेंड नजर आते हो, इसमें मेरा क्या कसूर है? Tell me that. आप अपनी जॉन और अनुष्के शर्मे के पास जाओ, मुझे क्यों तंग कर रहे हो?
मैं आपकी वजह से पागल हो गया हूँ, मुझे इतनी ज्यादा पिल्स लेनी पड़ती है रात को, इतने ज्यादा मुझे ड्रोने ड्रोने ड्रम्स आ रहे हैं रात को, प्लीज डोंट कॉल मी, अब मुझे कॉल ना करना, मैं बहुत ज्यादा मेरी तबीयत खराब हो गई है गाइस, मेरी तबीयत खराब हो गया, प्लीज कॉल मी समवन, कॉल मी समवन, और प्लीज विराट कोहली, अब आपने अगर मुझे कॉल की ना तो आई एम आउट ऑफ माइंड, आई एम आउट ऑफ माइंड, प्लीज हेल्प मी गाइस, मैं पहले मेरी तबीयत ही ठीक, ऊपर से मुझे इतनी कॉल आ रही है, खबरदार अगर आपने अब कॉल की, अगर आप मेरे बगैर मैच नहीं करोगे तो मैं क्या कर लूंगा, मैं क्या करूंगा, आपको जो करना, आप भूखे नंगे जैसे मर्जी जो करना आपको ही करना है, बस अब बाय, खबरदार मुझे कॉल की, she gets off to a start, he converts those and she gets off to a start, he converts those and she gets off to a start, he converts those and...